जब भी आप दादर आते हो घूमने के लिए तो इस बीच को जरूर विजिट करें। बहुत ही खूबसूरत सा बीच बना हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो देहांत हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, मगर उनको दिल्ली से मुंबई ले आकर यहाँ पर इनका वो समाधि स्थल भी बनाया गया है। अगर मुझे कैमरे के साथ एंट्री मिल गई तो मैं आपको अंदर का नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ पर आप बाबा साहब अम्बेडकर की जो लिखी हुई बुक है वो भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। काका जी, अम्बेडकर साहब ने जो बुक ले लिए थे सगड़े इतने मिले ना, हाँ, तो यहाँ पर मैंने सुना कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी लाइफ में करीब 5,000 बुक लिखी थी। अस्सलामु अलैकुम गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ दादर चौपाटी पर। आप में से बहुत सारे लोगों ने दादर का नाम सुना होगा, या फिर जो आप मुंबई में रहते हैं उनको मालूम ही रहेगा कि दादर में भी एक खूबसूरत सी चौपाटी है, वो मैं आज आपको दिखाने लाया हूँ। तो अभी आप जो मेरे पीछे दिख रहे हैं, यह है दादर का चौपाटी। बाकी मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे सामने वो देख रहे हो वो है यहाँ का अम्बेडकर भवन, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वहाँ पर समाधि है। और वहाँ पर एक व्यू पॉइंट बना हुआ है जहाँ से आप इस समंदर का पूरा नज़ारा देख सकते हो। उसके साथ साथ आप ये जो यहाँ पर बांद्रा वर्लिक सीलिंग बना हुआ है उसका भी एक बहुत बड़ा व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, तो वो मैं अभी आपको दिखाने ले जा रहा हूँ। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर का रास्ता होगा। ये भी एक हाईफाई सोसाइटी है, और देख रहे हो आप बहुत सारी वर्ली की बहुत बड़ी बड़ी इमारतें। बाकी ये देख रहे हो आप दादर का चौपाटी। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे अभी शाम के टाइम पर वॉक करने के लिए लोग आते हैं, या फिर जो स्टूडेंट रहते हैं, या फिर कपल के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव जगह है जहाँ पर कपल्स आकर बैठते हैं और समंदर की ठंडी हवाओं में इंजॉय करते हैं। और लोग यहाँ पर अपने पेट्स को घुमाने के लिए आते हैं। वहाँ पर देख सकते हो आप, जहाँ पे जैसे जैसे शाम होती है तो उसकी जो रौनक है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे सनसेट हो चुका है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा है, तो मैं अभी कुछ ही देरी पर हूँ। थोड़ी देर में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। और गाइस, जैसे जब भी आप दादर आते हो घूमने के लिए तो इस बीच को ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही खूबसूरत सा बीच बना हुआ है। तो भाई, ये है वो व्यू पॉइंट जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। अभी मैं ऊपर जाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ से कैसा दिखता है यहाँ का व्यू। बाबा साहब अम्बेडकर का जो देहांत हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, मगर उनको दिल्ली से मुंबई ले आकर यहाँ पर इनको बौद्ध धर्म के हिसाब से उनकी अंतिम प्रक्रिया होती है वो बौद्ध धर्म के हिसाब से की गई थी, और वो इसी जगह पर करी गई थी। इस वजह से यहाँ पर इनका वो समाधि स्थल भी बनाया गया है। अगर अंदर एंट्री होगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ अम्बेडकर भवन के पास, और इसको चैत्य भूमि भी कहा जाता है। और यहाँ से एंट्री है, जैसे आप दादर स्टेशन पर आते हो तो वहाँ से आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी या बस वगैरह से भी आ सकते हो। यहाँ पर आपको उतरेगी और आप इधर से अंदर की तरफ यहाँ पर जो चैत्य भूमि पुलिस चौक है यहाँ पर आप आ सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर एक इसके मेरे बाजू में छोटा सा गार्डन बना हुआ है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरे सामने देख सकते हैं ये यहाँ का अशोक स्तंभ। और बाकी ये वो जो जिसमें व्यू पॉइंट की बात कर रहा था वो भी मेरे सामने है, मगर सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको बाबा साहब अम्बेडकर की जो समाधि स्थल है
मैं कोशिश करूँगा वो आपको दिखाने की, अगर मुझे यहाँ पर जाने की परमिशन हुई तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। बाकी जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर करते हो तो इस तरफ के आपको सोवेनियर शॉप आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप नीचे बीच की तरफ ही जा सकते हो, और बीच का दूसरा हिस्सा भी है जहाँ पर छोटा सा मेला वगैरह लगता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर पहले आप यहाँ की जो फेमस अट्रैक्शन है, जो यहाँ की समाधि स्थल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप बाबा साहब अम्बेडकर की जो लिखी हुई बुक है वो भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। काका जी, अम्बेडकर साहब ने जो बुक ले लिए थे सगड़े यहाँ इतने मिले ना? हाँ, तो यहाँ पर मैंने सुना कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी लाइफ में करीब 5,000 बुक्स लिखी थी, तो जितनी भी सारी बुक्स है वो आपको इस जगह पर मिल जाएगी। तो गाइस, जो आपने अभी देखा अंदर वो है बाबा साहेब अम्बेडकर की जो समाधि स्थल है, यहीं पर इनको अपना अंतिम संस्कार किया गया था बौद्ध धर्म के हिसाब से। और एक वो ग्रेटेस्ट पर्सन है जिसकी वजह से आज पूरे देश में समानता है, और अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन जिस बंदे ने बनाया। बाकी मैं अभी आपको यहाँ का जो एक और अट्रैक्शन है, जो यहाँ का व्यू पॉइंट है, वो भी दिखाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर छोटा सा जो मेला लगता है। यहाँ से व्यू देखो आप, यार कितना ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है आज। वहाँ पर पूरा सनसेट हुआ है, इसकी वजह से ये जो वर्ली की स्काईलाइन है वो भी नाइट में आपको एकदम खूबसूरत सा नज़र आए। यहाँ पर पूरा 20-25 मीटर समंदर के अंदर एक बना हुआ व्यू पॉइंट है, और यहाँ से पूरा व्यू आता है आपको, बांद्रा वर्ली सीलिंग का व्यू आता है यहाँ पर। आई होप कि यहाँ पर वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी आ रहा होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत अंधेरा भी है यहाँ पर। ये वो व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको इस बांद्रा वाली सीलिंग का नज़ारा दिखता है, और सामने आप जो मेरे दिख रहे हो वो है बांद्रा का इलाका, उसके बाद यहाँ पर माइम पड़ता है, और ये पूरा है वर्ली का इलाका, और इस तरफ आप वर्ली की पूरी स्काईलाइन भी देख सकते हो। तो बस ये छोटा सा यहाँ पर व्यू पॉइंट बना है, जो करीब समंदर के अंदर 10-20 मीटर समंदर के अंदर में बना हुआ है, जो अभी करंट गवर्नमेंट ने ही बनाया है मेरे ख्याल से। और लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं कुछ देर समंदर की हवा में बैठकर, अपना एंजॉय करते हैं और फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। बाकी यहाँ पर खास ज़्यादा कुछ है नहीं। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाहर की तरफ। बाकी मैं अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो छोटा सा मेला वगैरह लगता है, वो भी मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। तो गाइस, ये वो जगह है जहाँ पर छोटा सा मेला वगैरह लगता है, यहाँ पर आप घोड़े पर बैठकर घोड़े की सवारी कर सकते हो, घोड़ा गाड़ी पर बैठकर, और एक साथ यहाँ पर खाने के भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। घोड़े पर बैठकर आप अपने फोटो वोटो खिंचवा सकते हो। कौन भी है, कितने का काका एक कौन? 30 रुपये और 40 रुपया। 30 रुपये में और 40 रुपये में आपको यहाँ पर कौन भी मिल जाता है, जो कि बीच पर खाने का एक अलग ही मज़ा है। बाकी बहुत सारा फूड स्टॉल भी है यहाँ पर, खिलौने वगैरह मिल जाएंगे, और बच्चे लोगों को स्पेशल है यहाँ पर खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइस, ये था मुंबई का शिवाजी पार्क,
जो भी आपने वीडियो में देखा। और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।